Where the world has not been, ये क्या बीच में बोल रहा है? वो recording. Where the world has been not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless starving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by the into wandering thought and action into the heaven of freedom, my father, let my country away. Good. My father, let my country away. Good. अभी हम अपने प्रोग्राम की तरफ स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हंसना मना है, और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आज हम 6 महीने पूरे कर चुके हैं इस प्रोग्राम के, महीने में एक बार होता है, और 7वें पायदान पे हम आज आ गए हैं. तो ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, और 5:30 बजे हमारे चीफ गेस्ट जो मेन गेस्ट हैं उनको भी हमको टाइम पे लेना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुशील भल्ला से स्टार्ट करते हैं. सुशील भल्ला तो शायद एज यूजुअल शायद बाद में आती है, और शकुंतला बहादुर जी को पहले से पता था कि उनका पहला ही नंबर आएगा, तो मैं शकुंतला जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी कविता सुनाए. जरूर जरूर, धन्यवाद योगेन भाई, और बुजुर्गों के इस चमन में सभी का स्वागत है. एक बात ये कहना चाहूंगी कि हंसो हंसो खूब हंसो, हंसना जरूरी बात है, हो सके तो अपनी कमजोरियों पर हंसो, लेकिन भूल कर भी किसी की मजबूरियों पर मत हंसो. तो मैं बताना चाहूंगी कि हम सब एक ही नाव में सैर कर रहे हैं, बुजुर्ग जो है आगे पीछे, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी को कोई, तो एक राज की बात बताऊं तुमको, दोष न फिर देना तुम हमको. कान मेरे अब सुनते कम, गलत सलत सुन लेते हम, जब कोई है हमें टोकता शर्मिंदा हो जाते हम. जन्माष्टमी की पूजा थी, मैं चरणामृत बना रही थी, बेटी बोली माँ क्या मैं ले आऊं तुलसी, कुर्सी क्या करना है बेटा, मुझको नहीं बैठना बेटा. हंसकर बोली मेरी बिटिया माँ मैं तो कहती हूँ तुलसी, समझ रही तुम उसको कुर्सी. एक दिन आ बेटा आ बोला, बाहर बंदर आया है. मैंने पूछा बता ठीक से कौन ये अंदर आया है. झल्ला कर वो फिर से बोला कोई नहीं आया है अंदर, बाहर बंदर आया है, बंदर. बहू भी बोली मुझसे यूं, माँ जी मैं ले आई हूं अंदर. अच्छा ले आई तो झंडा रख दे, बस यही कहीं तू, कल 15 अगस्त से आया सेंटर ले जाऊंगी झंडा, मुझे तिरंगा लगे भला, अब तुझसे ना कोई गिला. मुस्का कर वो चली गई, मुझको शर्मिंदा कर गई. पोती बोली मुझसे आकर, दादी क्या केला खाएंगी आप. उत्तर मैंने दिया तुरंत ही, मैं तो मेला नहीं जाऊंगी, तुम सब हो आओ चुपचाप. बहुत जोर से लगी वो हंसने, बोली समझी नहीं आपने बात. और कभी घंटी छोटा कर देती हूँ, बड़े प्रेम से सखी जब बोली अब तो तुम गाना गाओ, मैं बोली भूख नहीं है मुझे अभी तो, तुम सभी खाना खाओ. मुस्काकर फिर से वो बोली खाना बनने में है देर, तू गाने को खाना समझी, करती है तू बड़ा अंधेर. फिर जरा ठहर कर यूं बोली वो, अच्छा लस्सी तो ले लेगी तू. मैं बोली बस रहने दे तू सखी, लस्सी का मैं क्या करूंगी. मुंह पर हाथ रखा उसने, तब लगा ठहाका वो हंस दी, समझ गई फिर गलती हो गई मेरी, तभी किरकिरी हो गई. तो बस मैं ये समाप्त करती हूँ, लिस्ट लंबी है, बहुत लोग हैं, तो 2-3 इंस्टेंसेस मैंने छोड़ दिए इसीलिए. तो धन्यवाद, रस्सी बना दिया वेरी नाइस. धन्यवाद. वैसे शकुंतला बहन ये बीमारी सबकी है, हमारे साथ आपसे भी ज्यादा है. वही तो बोला ना, नहीं नहीं नहीं, तो 2-3 असलियत है, 2-3 बनाई हुई है, लेकिन 2-3 और जो घटनाएं थी मैंने कहा छोड़ दूं, सबको समय मिलना चाहिए. तो अभी मैं वीना जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वीना जैन जी आप अपनी कुछ टॉक लेके आई हैं, लेट अस सी व्हाट शी वांट्स टू से. टॉक तो क्या, जिंदगी का
क्या होता है वो बता रहे हैं। जब हम छोटे होते हैं तो बड़े भाई बहन आपको कुछ भी कहते हैं तो आप मान जाते हैं। तो मेरा बड़ा भाई मेरे से 9 साल बड़ा है, वो हमेशा यही कहता था जो उससे छोटा भाई था कि इसको तो सड़क से उठाकर लाए हैं, ये ना रोड आता तो हमने इसको रख लिया। और मुझे कहता था कि हम ट्रेन में जा रहे थे, एक टोकरी में से आवाज आई कि कोई बच्चा रो रहा है तो तुमको हम घर ले आए। तो हम भी मान गए भाई ऐसा ही होता होगा। एक दिन दादी और माँ दोनों बैठी हुई मटर छील रही थी लॉबी में, और हम पास में बैठे छोटे छोटे, हमारी उम्र तब 5-1 साल की थी, छोटे छोटे मटर उसमें से छांट के हम खा रहे थे। तो हमने पूछा हमारे पिताजी कौन है। दादी ने कहा कौन से पिताजी, तुम्हारे पिताजी तो अभी उस दिन सिंगापुर गए हैं ना। मैंने नहीं, हमारे पिताजी, हम उनको पापा जी बोलते थे, हमारे पापा कौन है। तो कहते तुम्हारे पापा सिंगापुर गए हैं, आ जाएंगे थोड़े दिन में, काम से गए हैं। मैं कह नहीं, हमारे पापा कौन है। दादी बोलती पागल लड़की क्या बोल रही है कि तुम्हारे पापा कौन। माँ समझ गई, माँ कहती क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो। जब भी माँ आवाज देती तो कहती मेरे बड़े भाई का नाम सुदर्शन था, सुदर्शन के पापा यहाँ नहीं है, सुदर्शन के पापा का फोन आया है, सुदर्शन के पापा आप कहाँ है। तो हमने सोचा ये हमारे बड़े भाई के पापा है, हमारे पापा नहीं है, तो हम इसीलिए पूछ रहे हैं हमारे पापा कहाँ है। तो मम्मी से पूछा कि आप हमेशा आवाज में तो यही कहती हैं कि सुदर्शन के पापा यहाँ नहीं है, सुदर्शन के पापा का फोन आया, तो हमारे पापा कहाँ है। तो माँ ने कहा ये हमारे सबके, सब बच्चों के यही पापा है। तब से हमारी माँ ने हमारे फादर को मिस्टर जैन चालू जैन साहब कहना चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि सारे बच्चे नाराज हो रहे हैं। तो ये होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं जो जिंदगी में हमें ही नहीं पता होती कि क्या बात है। अभी मैं एक छोटी सी पोयम पढ़ूंगी टेलीफोन के ऊपर। ये जो हमारा सेल फोन है ना, ये सेल फोन बहुत पावरफुल है। ये कैसे पावरफुल बन गया, बहुत कुछ खाया है इस सेल फोन ने, बहुत कुछ खाया है इस सेल फोन ने। ये हाथ की घड़ी खा गया, ये टॉर्च और लाइट खा गया, ये चिट्ठी पत्रियां खा गया, ये किताब खा गया, ये रेडियो खा गया, ये टेप रिकॉर्डर खा गया, ये कैमरा खा गया, ये कैलकुलेटर खा गया, ये पड़ोस की दोस्ती खा गया, ये मेल मिलाप खा गया, ये हमारा वक्त खा गया, ये हमारा सुकून खा गया, ये पैसा खा गया, ये जो फोन है ये सस्ता नहीं होता, ये पैसा खा गया, ये रिश्ते खा गया, ये याददाश्त खा गया, ये तंदुरुस्ती खा गया, कम वक्त इतना कुछ खा गया, स्मार्ट बन गया, बदलती दुनिया का ऐसा असर होने लगा, आदमी पागल और फोन स्मार्ट हो गया। जब तक फोन वायर से बंधा था इंसान आजाद था, जब से फोन आजाद हुआ इंसान फोन से बंध गया। उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते, उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते, जुबान से निभाने का वक्त कहाँ है। सब टच में बिजी हैं, सब टच में बिजी है, पर टच में कोई नहीं है। टच में कोई नहीं है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके टॉक भी बहुत जबरदस्त थी मिसेस जैन, बहुत अच्छा बोली आज, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा। आप अच्छा, मुझे मुझे वीना से मिसेस जैन बना दिया आज। बहुत अच्छा बोल रही है मिसेस जैन। किस बच्चे की माँ है आप, इसलिए मिसेस जैन बुला रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, ये बात है ना, हमारी सबकी माँ ऐसी ही बोलती थी ना, बड़े बेटे का नाम लेके या बेटी का नाम लेके पापा ने। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो साहब ये क्या हुआ कि रामायण में जैसे प्रसंग आता है कि राम सीता और लक्ष्मण, और लक्ष्मण को तो छोड़ो सीता और रावण, तो ऐसे ही एक फ्लैट में घंटी बजती है, और फ्लैट में घंटी बजती है तो जो महिला घर में अकेली है वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने भिक्षुक खड़ा है। भिक्षुक समझते हैं ना, रामायण वाला भिखारी। तो भिक्षुक कहता है माई भिक्षा दे दे। तो महिला कहती है ये लो महाराज। भिक्षुक कहती है माई जरा ये दरवाजा जो है पार करके बाहर तो आ जाओ। तो वो दरवाजा बाहर करके बाहर आ जाती है। भिक्षुक कहता है हा 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 हा, मैं भिक्षुक नहीं,
मैं रावण हूं। महिला कहती है, हा 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 हा, मैं भी कहा सीता हूं, मैं तो काम वाली बाई हूं, काम वाली। थोड़ी सी कहानी बाकी है। रावण कहता है, हा 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 हा, सीता का अपहरण करके तो मैं आज तक पछता रहा हूं, तुम्हें ले जाऊंगा तो मंदोदरी बहुत खुश होगी, उसे तो काम वाली बाई की ही जरूरत थी। महिला कहती है, हा 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 हा, अरे पगले, सीता को ढूंढने तो राम आए थे, मुझे ढूंढने तो पूरी सोसाइटी वाले आ गए। तो ये ऐसे लोग निकाले थे तुकड़ी करके, है ना, तो इसको इस तरह से लिया जाए। मैं स्मिता, स्मिता उनका नाम, सेकंड नेम मुझे लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो चंपा स्मिता चैंपियनेरिया, स्मिता चैंपियनेरिया, तो सुरेंद्र पुष्पाजली में सुरेंद्र भी गायब है। पुष्पाजली से मैं कहूंगा, पुष्पाजली आप सुरेंद्र की कमी पूरी करते हुए कुछ आप कंप्लीट कीजिए, हर कोई एब्सेंट नहीं हो सकता। हाँ ठीक है भैया, सुरेंद्र भैया बता है कि वो आ नहीं पा रहे, तो कहीं फंस गए, सब मैं अकेली गा रही हूँ। मेरे फोन पे मालूम किया अभी, क्या बात है, इतने छोटे से कहीं फंस गए वो। आज बीना जी बड़े मूड में है, बड़े अच्छे अच्छे जोक्स मार रहे हैं। अभी ये कह रहे कि इतने छोटे फंस गए, क्या खाया था बीना लंच में? अभी वो कहते छोटे फंस गए, मैं इसके ऊपर ही अभी आने वाला हूँ, उसके इनके बाद। अच्छा मैं गाऊं क्या फिर? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, सबको मेरा नमस्कार। ये एक्चुअली डुएट था, सिंगल हो गया, भैया जी नहीं आ पाए। ये म्यूजिक जरा कभी गड़बड़ होता है, जरा बताइए प्लीज। अभी बढ़िया है, ठीक है। आपके भी वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे में चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है के रात है, तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है के रात है। उठ के तो देखिए कैसी फिजा है, शर्मा ना छोड़िए ये क्या अदा है, उठ के तो देखिए कैसी फिजा है, शर्मा ना छोड़िए ये क्या अदा है, तो बाए क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया, तो बाए क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है, ओ तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं डेरा डाले, मेरी क्या बात है।
जाए मुखड़े के सामने काली घटाए कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू दिन है के रात है होए 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 तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले मेरी क्या बात है आए हैं दूर से मिलने हुजूर से ऐसे भी चुप ना रहिए कहिए जी कुछ तो कहिए दिन है के रात है ओ तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले मेरी क्या बात है थैंक यू तभी तो मैं कोकिला कहती हूँ आपको थैंक यू वेरी मच ये किस पिक्चर का गाना है मुझे मैं बताऊं तुमसा नहीं देखा का है वो अपने शमी कपूर जी का सुरेंद्र भैया बहुत अच्छा गा रहे थे लोहिया जी से मिलने गए उनको कुछ उधर समझा रहे कहते हैं कुछ नया खरीदे तो मैं नहीं आ पाता हूँ 4:30 हो जाता है तक बोल तो ये मूवी दो तीन दिन से प्रैक्टिस करे ये मूवी ऐसी थी जिस टाइम पे ये मूवी आई थी लोग इतने उत्साहित रहते थे ये गाना था उसका सिर पे टोपी लाल हाथ में क्या कहना और हम जब बहुत छोटे थे क्या कहना स्टेज पर बच्चे जो आगे बैठे हुए होते थे ना वो सिक्के फेंकते स्टेज पर फेंकते थे उस गाने के ऊपर तो बहुत अच्छा। बहुत हिट थी और बहुत अच्छी भी बनाई थी उस पिक्चर में और एक बात ये मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा गाता और मैं मिलके एक बार ऐसे हम लोग घर में ऐसे मजे कर रहे थे अच्छा। इसलिए मैंने जब भी प्रैक्टिस किया था बहुत साल पहले 20 साल पहले नहीं अभी वो आप इससे पहले आप कुछ मोटे पतले की बात कर रहे थे कि इतने मोटे तो नहीं है इतने पतले तो नहीं है एक मैं थोड़ा सा एक दिखाना चाहता हूँ यही इसी जगह को अगर मैं दिखा पाया कहाँ गया वो ये नहीं है स्क्रीन शेयर ये देखिए साहब द ड्राइवर वाज फॉलोइंग गूगल मैप और गूगल ने उसको ले जाके ऐसी जगह फंसा दिया मैं आपको एक बताता हूँ बहुत सच्चा किस्सा एक महीने पहले की बात है क्योंकि जब ये हसरा महीना पिछली बार आया था उसके बाद की बात है नहीं तो मैं उसी टाइम अपनी सत्य जो मेरे ऊपर बीती है वो बताता हूँ मैं वॉलनट क्रीक गया था बलजीत से मिलने नहीं गया था मैं तो वहां पर बाट स्टेशन तक मेरी जब गाड़ी आ गई किसी वजह से मैं वहां पर रुका हुआ था तो बाट स्टेशन से मैंने कहा घर की तरफ मोड़ लेते हैं गूगल ने कहा कि आप यू टर्न ले लो सिग्नल पे अब सिग्नल पे यू टर्न तो मैं ले सकता हूँ लेकिन वहां पर लिखा हुआ है नो यू टर्न मैं आगे बढ़ गया आगे बढ़ के फिर गूगल ने मुझको जो समझाना शुरू किया पता ना कह जगह अननेम्ड है ना अब अननेम्ड की जगह वो एरो दिखाता है इधर जाओ उधर जाओ उसके हिसाब से आते आते मैं वहां पर कहां पर मैं अकेला था मेरे साथ कोई भी नहीं था और वहां पर वो मुझको ऐसी जगह ले गया कि अगर मैं उसकी जगह जाऊं तो मैं नीचे गड्ढे में गिर जाऊंगा ओह माय गॉड इतने वहां झाड़ फूस और ये बुशेस लगे हुए थे मैं ये कहां ले आया मुझको अब यकीन नहीं करोगे मुझको एक घंटा लगा घर पहुंचने में कैसे कैसे वो मैंने सही रास्ता पकड़ा कितनी बियर पी हुई थी अग्रवाल सर कितनी बियर पी थी मैं अकेले था सब मुझे बियर नहीं मिली मुझे वहां पे
ये तो बियर का किस्सा लगता है कुछ। नहीं नहीं, वो गूगल को आप ठीक से फॉलो नहीं करो और अंडर नेम के नाम पर आप किसी दूसरी गली में घुस जाओ तो गलियां गलियां थी वहां, तो ये ऐसा ही है, इसको ये घुस तो गया, निकलेगा कैसे ये, ना आगे जा सकते ना पीछे। Anyway. ये बलजीत ने प्रॉपर मेक श्योर किया था कि तुम उनके घर ना पहुंचो किसी तरीके से। आप बिना बिना बोले आ रहे थे ना वहां पे, इसलिए बिना बुलाए ये हाल होता है। तो अभी हम चलते हैं डॉक्टर ब्रिज अग्रवाल की तरफ। डॉक्टर ब्रिज अग्रवाल कहां गए? अभी तो थे, वो तो थे। He's there. ये सब आज एब्सेंट रहने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, वो अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप। अच्छा अच्छा, सुषमा सुषमा कह रही थी। वाईपी जी अगले के अगले दो नाम बता दीजिए तो पीपल आर रेडी। हाँ जी, सुमित कॉल और वीना मिश्रा जी। लगता है वीना मिश्रा जी भी नहीं है शायद। वीना मिश्रा जी नहीं लिखी, सुमित कॉल तो है। आई सॉ हर। वीरा मिश्रा जी अभी नहीं। आजकल 4 बजे बहुत धूप होती है ना, इसलिए जरा सा टाइम बढ़ा दीजिए आप मेरे ख्याल में। राजे आजकल 4 बजे बहुत होता है तो धूप ज्यादा होती है लोगों को, तो शायद थोड़ा 5 बजे से शुरू कर दिया कीजिए आप लोग। तो हम कोई आई थिंक लोगों को मैं जो सुना दूं, धूप में जाना है, कौन सा धूप में जाना है, घर से अपने कमरे से जो सुनाऊं तब तक। वीना मिश्रा जी हैं यार, वीना मिश्रा जी हैं, वीना मिश्रा जी हैं। आज लॉन्गेस्ट डे है साल का। डॉक्टर साहब यस, आपने कुछ गाने? नहीं मुझे नहीं मालूम यार। अरे नाम है आपका? आपका नाम लिस्ट पे भेजा है, आपको लिस्ट भेजी है हमने। अच्छा आपका थोड़ी देर रुक, आप आगे चल दीजिए, आप चल जाइए आगे। सुमित कॉल, सुमित कॉल जी नहीं तो वीना मिश्रा जी भी है। हाँ जी देखा है मैंने उनको। सुमित, सुमित इज हियर, सुमित कम ऑन। नमस्कार जी, आज आज आपने हंसना मना है, उसके साथ साथ आपने ये कर दिया कि सब लोग मनमर्जी से गाने गा रहे हैं, तो हंसना मना और मनमर्जी से गाने गाने की इजाजत है? बिल्कुल जरूर। तो मैं भी आपको फिर गाने ही सुनाती हूँ, मैंने कविता पिता पे लिखी थी। अच्छा, तो अगर आप इजाजत दे तो मैं वो सुना दूं, और नहीं तो मैं भी गाना ही सबकी तरह दोस्तों की तरह सुना देती हूँ। जो भी आपको अच्छा लगे, हमको तो हंसना ही है। आए बहार बन के लुभाकर चले गए, आए बहार बन के लुभाकर चले गए, वो राज क्या जो दिल में छुपा कर चले गए, वो राज क्या था दिल में छुपा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए, कहने को वो हसीन थे आंखें थी बे वफा, आंखें थी बेवफा, कहने को वो हसीन थे आंखें थी बेवफा, हाय आंखें थी बेवफा, दामन मेरी नजर से बचा कर चले गए, दामन मेरी नजर से बचा कर चले गए, आए बहार
बन के लुभा कर चले गए, इतना मुझे बताओ मेरे दिल की धड़कनों, आए दिल की धड़कनों, इतना मुझे बताओ मेरे दिल की धड़कनों, आए दिल की धड़कनों, वो कौन थे जो ख्वाब दिखा कर चले गए, वो कौन थे जो ख्वाब दिखा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। क्या बात है सुमित, क्या बात है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत पुराना गाना याद दिला, ब्यूटीफुल गाजा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात है, क्या बात, जवाब नहीं है सुमित, जवाब नहीं है, खूबसूरत आवाज है उसने, खूबसूरत अंदाज है, इनायत है आपकी, बहुत बहुत इनायत, वेरी नाइस। तो अब वीना मिश्रा जी, हाँ जी, यस यस, अरे यस, कुछ पोएम लाई है शायद आप, ये मुस्कान कहाँ से चुरा के लाई है? चलिए तो मैं हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को नारी शक्ति का अद्भुत रहस्य बताने जा रही हूँ। क्या बात है, नारी की वे शक्तियां जिसके सामने बड़ी बड़ी हस्तियां तक नतमस्तक हो जाती हैं। यह तो सबका तकिया कलाम बन चुका है कि नारी अबला है, नारी असहाय है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसी नारी ने बड़े बड़े मनीषियों को हिलाकर रख दिया था। मेनका ने अपनी मधुर मुस्कान के बाणों से विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी। महाभारत के युद्ध का कारण द्रौपदी के आंसू थे। कैकेयी के कोप के सामने राजा दशरथ को भी घुटने टेकने पड़े थे। क्या आप जानते हैं कि नारी की शक्तियां नारी को मिली कहां से? आइए अब मैं इसका इस रहस्य का पर्दा हटाती हूं। ब्रह्मा जी की प्रयोगशाला में आज विशेष पर्व मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज अक्ल बटने वाली है, बुद्धि का वितरण होने वाला है, बड़ी भीड़ लगी है, सब कतार में ढकेल रहे हैं दूसरे को। अक्ल बांटने लगे विधाता, अक्ल बांटने लगे विधाता, लंबी लगी कतारें, सभी कतारें थी पुरुषों की, नहीं कहीं महिलाएं, सभी कतारें थी पुरुषों की, नहीं कहीं महिलाएं, सब में था यह अचरज भारी, अरे कहां गई महिलाएं, पता चला ब्यूटी पार्लर की लाइन में लगी हुई थी वनिताएं, मेकअप की थी गहन प्रक्रिया एक एक पर भारी, कुछ के मुंह पर लेप लगा था, कुछ के हेयर कटिंग थी जारी, बैठी थी कुछ इंतजार में कब आएगी बारी, और उधार विधाता ने पुरुषों में अक्ल बांट दी सारी। ओह माय गॉड, ब्यूटी पार्लर से फुर्सत पाकर जब पहुंची सब नारी, बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, नहीं अक्ल अब बाकी, रोने लगी सभी महिलाएं, नींद खुली ब्रह्मा की, पूछा कैसा शोर हो रहा है ब्रह्मलोक के द्वारे, पता चला कि स्टॉक अक्ल का पुरुष ले गए सारे,
महिलाएं सर पीट रही हैं आज आपके द्वारे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवियों बहुत देर कर दी आने में, जितनी भी थी अक्ल वो तो पुरुषों को दे डाली, लगी चीखने चिल्लाने सब, ये कैसा अन्याय तुम्हारा, कुछ भी हो हमें तो चाहिए आधा भाग हमारा। पुरुषों में तो पहले से ही शारीरिक बल भारी, और हम कह रहे अब लाएं अपनी रक्षा के लिए अग्ल कहां से लाएं। अबलाओं के तर्क के सम्मुख ब्रह्मा जी की एक न चल पाई। ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए चिंतन करने लगे, दाढ़ी सहलाई, बहुत धीरे से बोले, एक वरदान तुम्हें देता हूं, अब हो जाओ राजी। हंसी तुम्हारी थोड़ी सी भी, हंसी तुम्हारी थोड़ी सी भी रहे पुरुष पर भारी, कितना भी वह अक्लमंद हो अक्ल जाएगी मारी। तर्क दिया एक औरत ने चटपट आकर आगे, हम तो हैं रोने के आदि, हंसी कहां से लाएं। ब्रह्मा जी बोले, अति उत्तम, यही कार्य तब रोना भी कर देगा, औरत का रोना भी नर की सारी अक्ल हर लेगा। एक अधेड़ महिला बोली, बाबा हंसना रोना नहीं आता, झगड़े में हम एक्सपर्ट हैं, झगड़ना हमें है खूब भाता। ब्रह्मा बोले, चलो मान ली यह भी बात तुम्हारी, झगड़े के आगे भी नर की अक्ल जाएगी मारी। सुनकर ब्रह्मा के वचनों को झूम उठी सब नारी, बड़ी शान से कहने लग गई, अब होगी जीत हमारी। ब्रह्मा जी को इन पर भरोसा नहीं था, बोले, ना 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 ना, बड़े ध्यान से सुन लो, अब यह अंतिम वचन हमारा, तीन शस्त्र दे दिया तुम्हें, हुआ अब पूरा न्याय हमारा। वो भी डर गए थे कि कहीं फिर से ये हम पर अन्याय का आरोप ना लगा ले, समझ जाइए ब्रह्मा भी डरते थे रचनाकार। इन अचूक शस्त्रों में भी जो मानव नहीं फंसेगा, निश्चित समझो इस जीवन में घर उसका नहीं बसेगा। इसीलिए मैं कहता सबसे, सुन लो बात हमारी, बिना अक्ल के भी होती है नर पर भारी नारी। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत सुंदर बीना जी, बहुत सुंदर, आप छाड़ छाड़ के ऐसे लाती हैं और सुनाने का तरीका भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ऊपर से इनकी इनकी स्माइल ने भी कत्ल कर दिया है। She has a very very charming style. नहीं तो वही तो वरदान लेके आई थी ना, वही तो वरदान लेके इनको मिला था, अपनी स्माइल से तुम सबकी अकल ले लेना। हम सब पे पड़ गई भारी, हम सब पर पड़ गई भारी, मर्दों पे। वेरी नाइस, आप लोगों की देन है, आप लोगों ने मुझे इतना एनकरेज किया कि मेरी हिम्मत बढ़ गई। बहुत अच्छे, रियली गुड, रियली गुड, वेरी नाइस। शशि मल्होत्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, शशि मल्होत्रा जी कुछ जोक सुनाएंगी और उसके बाद वीना अग्रवाल। योगेंद्र जी, आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम सुशील भल्ला, she was trying to get in and she was not able to, so maine unko bola hai ki ek baar fir se try karo, to wo fir se try karenge to aayengi, but she was having hard time getting into. abhi hum shayad unko nahi le payenge kyunki humne unka time le liya hai. acha theek hai, ha to jab wo sabse baad mein dekhenge agar time milta hai. theek hai, theek hai, abhi she is not joined yet, maybe she will join later. meri mere paas bhi aaya tha phone unka, to aaya tha. ha abhi hum Shashi Malhotra ji se baat karenge aur uske baad Veena Agarwal. ha ji, sabhi ko namaskar. अभी अभी हमने शकुंतला जी से सुना कि उम्र का तकाजा तुलसी को कुर्सी, और जोगेंद्र जी ने कह दिया कि पिक्चर हॉल में पैसे फेंकना। तो मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट की बात बताती हूँ कि जो इतना पढ़ रहा था, आर्ट्स का स्टूडेंट था, पढ़ पढ़ के थक गया और वो गलत सेंटर में पहुंच गया जहाँ की मेडिकल एग्जाम हो रहा था। अब उसके सामने पेपर आया पर वो कुछ कह कर नहीं सका, पर उसने ब्यूटीफुल आंसर्स दिए, वो पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं। एंटीबॉडी ही डिफाइंस वन हु हेट्स हिज बॉडी।
आर्टरी स्टडी ऑफ फाइन पेंटिंग्स और मिलिट्री ट्रेनिंग. आर्ट्स का स्टूडेंट था, आता तो कुछ नहीं पता था, उसको चल नहीं रहा था. बैक्टीरिया he defines as back door of a cafeteria. Oh, Oma, he writes punctuation marks. To some extent he was right. Oma and comma same. Gallbladder, bladder of a girl. jeans, blue denim. Labor pain, hurt at work. Liposuction, he writes a very beautiful answer, a French kiss. Ultrasound, radical sound. That is above human hearing capacity. See, that is above human hearing capacity, such as wild talk. Cardiology. Advanced study, Yogendra ji, dhyan se suniye. Cardiology, advanced study of playing cards. Okay. Morning in progress. Dyspepsia. किसी का वो कर रहा है, इको कर रहा है. किसी ने दो डिवाइसेस साथ साथ रखी हुई हैं, वो बंद कर दीजिए एक को. एक डिवाइस बंद कर दीजिए. कहाँ से आ रही है? किसी ने दो चलाई हुई है, पता नहीं किसने चलाई है. पता नहीं मैं देखती हूँ सुमित जी ने, उनका फोन चल रहा है वहां पर. मेरे ख्याल में सुशील हो सकता है, सुशील ने ज्वाइन किया हो तो वो पहले किसी और चीज पे कर रही हो. नहीं, she hasn't joined yet. No. I don't know. अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है. हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेप्सिया, डिफिकल्टी इन ड्रिंकिंग पेप्सी. ओह नो, भी यंग ब्रेन है ना, यंग ब्रेन है, पैसे फेंकना और ये सब इस तरफ चलता है वो. चिकन पॉक्स, अ नॉन वेजिटेरियन कॉन्टिनेंटल डिश. सीटी स्कैन, टेस्ट फॉर identifying person's city. Hello, good afternoon. My name is Sumit Kaur. My ID number is 5781. Radiology, the study of how radio works. And parotitis, information of the parrots. Urology, the study of European people. See, European such people. Beautiful answers and the brain. Yeah. You know how he answers all this. Yeah. अभी 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 सुना हमने कि स्त्री जाति को सबको कैसे हमें बुद्धि मिली है. तो एक बड़ा छोटा सा जोक है जो मेरे सामने ही पड़ा हुआ है. पत्नी पूछती है, अच्छा ये बताओ कि तुम मूर्ख हो या मैं. पति बड़े शांत मन से चाय का घूंट भरते हुए, प्रिय ये बात तो सब लोग जानते हैं कि तुम अत्यंत तीव्र बुद्धि की स्वामिनी हो, इसलिए ये कभी हो ही नहीं सकता कि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति से विवाह करो. वाह वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो अभी तो जल्दी जल्दी हमको आगे बढ़ाना है. बीना अग्रवाल को मैं कहूंगा कि वो कुछ अपने इस पे आए. बलजीत जी, आप मेरे को योगेंद्र उस पे कीजिए इस पर. हाँ, मैंने कर दिया. आ रही हैं अभी आप. आ गया कि मैं उधर जाती हूँ. आगे. अच्छा चलिए, पहले मैं एक छोटा सा जोक सुनाती हूँ. तीन इंजीनियर होते हैं,
इंजीनियर भी सिविल इंजीनियर, और तीनों सिविल इंजीनियर स्वर्गवासी जाते हैं और स्वर्ग लोक पहुंचते हैं। सिविल इंजीनियर स्वर्ग लोक, जरा क्या क्या करते हैं सिविल इंजीनियर लाइफ में, स्वर्ग लोक फिर भी पहुंचते हैं नहीं पहुंचते ये नहीं पता, सॉरी यार कोई सिविल इंजीनियर है तो बुरा मत मानना। खैर स्वर्ग लोक पहुंचते हैं तो वहां जो गेट कीपर होता है वो बोलता है कि अच्छा तुम तीनों सिविल इंजीनियर हो, बहुत अच्छी बात है। तो जो हमारा मेन एंट्रेंस है, दरवाजा है, बुलंद दरवाजा, ये थोड़ा सा रिपेयर मांग रहा है, तो आप लोग बताओ इसके रिपेयर में क्या क्या लगेगा। तो एक सबसे पहले नंबर आती है पाकिस्तानी सिविल इंजीनियर की, उससे पूछता है कि बताओ कितना पैसा लगेगा जो ये ठीक करने में, रिपेयर करने में। वो बोलता है, सोचता है थोड़ी देर, फिर कहता है 9,000। बोला अच्छा 9,000 का ब्रेकअप दे दो। वो ब्रेकअप देता है 3,000 लेबर, 3,000 मटीरियल और 3,000 मेरा प्रॉफिट। इट्स ओके, ठीक है, सुन लेता है उसको। कहता है आप दूसरे को पूछते हैं। दूसरा वाला एक सिविल इंजीनियर था, वो था चाइनीज, उससे बात करता है, तुम इसको रिपेयर करने के कितने पैसे लोगे। वो बोलता है 33,000। 33,000? हाँ 33। अच्छा चलो इसका ब्रेकअप दो, 11,000 मटेरियल, 11,000 उसको लेबर और 11,000 मेरा प्रॉफिट। ठीक है, उसका भी सुन लिया उसने दरबार ने। अब बारी आ गई एक दिल्ली वाले इंजीनियर की, तो उससे कहा भाई अब तुम बताओ। बोलता है जी ऐसे तो हमने जाने कितने जुगाड़ किए और करते रहते थे हम, तो ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। बोला हाँ खेल तो है लेकिन बताओ कितना, मतलब एस्टिमेट है। बोला जी 29,000। 29,000 का ब्रेकअप क्या हुआ। बोले देखो जी मैं बताता हूँ 29 का ब्रेकअप क्या है। अब इंडियन है पटाएगा तो जरूर। बोलता है 10,000 तेरे, कोई वो नहीं इसके रिपेयर के लगेंगे या पैसे उसके लगेंगे, 10,000 तो तेरे और 10,000 मेरे और अब बाकी बजे 9,000। क्योंकि ऐसा कर वो पाकिस्तानी 9,000 बोल रहा था उसको दे दे ठेका, वो भी चैन की नहीं सो मैं भी चैन की नहीं सो, तो ये रिश्वत दे दो। बिल्कुल बिल्कुल वेरी नाइस। सो दिल्ली वाले लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, हैं? ऐसे नो वंडर बजी जी, नो वंडर। हां नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। आप देख लीजिए दिल्ली वालों के लिए क्या कह रहे हैं ये यूपी वाले। मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूं, लकी यही है मेरा पॉइंट, बस यही है। दिल्ली से तो है ना, तीनों लोगों का फायदा हो गया। यूपी वाले दिल्ली वालों को बहुत कुछ कह गए भाई, सुन लो जरा। अभी मैं एक और सुनाती हूँ। हम भारतवासियों को सभी को कवर चढ़ाने का बहुत शौक होता है, हर चीज पे कवर चढ़ा डालते हैं। अब ये नहीं सोचते किस चीज पे चढ़ाना है किस चीज पे नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, बाजार से बहुत सुंदर सोफा खरीदेंगे और उस पर वो जाली का कवर चढ़ा देंगे, सफेद जाली का वो भी। फिर बढ़िया रंग का सूटकेस खरीदेंगे, वहां जाके सोचेंगे कि काला नहीं खरीदना है क्योंकि कन्वेयर बेल्ट से निकालेंगे जब फ्लाइट से आएंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, तो कुछ अलग कलर लेते हैं, तो लाल नीला पीला कुछ भी ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, कवर चढ़ा देते हैं। तो फिर वही प्रॉब्लम हो गई, कैसे पहचानेंगे। उसके बाद उसके ऊपर रिबन बांध देते हैं। तो अपने मिलिट्री कलर के सूटकेस पर ये रिबन बांधा था, अब ये हमारा है। अच्छा मखमल की रजाई खरीदेंगे, बड़ी सुंदर शनील की मखमल की रजाई खरीदी, उसके ऊपर पर्दे के फूल वाला कवर चढ़ा देंगे। अब देखिये कवर बहुत सारे कवर चढ़ा देंगे, फ्रिज पर कवर, वॉशिंग मशीन पर कवर, मिक्सी पर कवर, थर्मस वाली बॉटल पर कवर, टीवी पर कवर, कार पर कवर और कार की कवर सीटों पर भी कवर। ऑलरेडी कार लिया है उसके एसेसरीज लेते हैं तो कार पे कवर सीट चढ़ा के देते हैं, हम उस पर भी कवर चढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब हम कभी जिंदगी में असली कवर को एंजॉय ही नहीं करते, अपने कवर चढ़ाते रहते हैं। स्टेयरिंग पर कवर, ऐसी फुटमैट होती है उन पर भी ऑलरेडी कवर होता है फिर भी कवर चढ़ा देते हैं, मोबाइल पर कवर, बेडशीट पर बेड कवर, आरओ पर कवर, किताबों पर कवर, काली कमाई पर भी कवर, कुत्तों पर भी कवर। ये काली कमाई का कवर बहुत बढ़िया। हाँ, दो नंबर।
और आजकल जो अभी 1.5 साल से मुंह पर भी कवर लेकिन और जो कवर होना चाहिए वो कवर नहीं होता है। अब जैसे कचरे के डब्बे से ढक्कन नदारद, खुली नालियों के कवर नदारद, चाहे कोई गिर जाए बेचारा, मैनहोल के कवर नदारद, सर से हेलमेट नदारद, खुले खाने से कवर नदारद, इंसानों के दिल से इंसानियत भी नदारद। ये कलयुग है और आधुनिकता तो बतानी है, हम तो बहुत मॉड है, मॉड है तो तन से कपड़े भी काफी नदारद। और अभी जो ये कवर मुंह पर कवर लगाया था, थोड़ी सी ढील मिली तो वो भी नदारद। कोरोना तो फैलता है लेकिन कवर फिर वो भी नदारद। तो सारे ही कवर नदारद कर डाले और इंसानों के दिल से इंसानियत भी नदारद हो गई है इस जमाने में। तो क्या ढकना है, क्या खुला रखना है, ये हम भारतीय लोग कभी समझ ही नहीं पाए। जो मन आता है वो करते हैं, अच्छा है, अपने मन की करते हैं, खुश होते रहते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छे बीना, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी हमारी संस्कृति में ही है। हाँ, संस्कृति में, संस्कृति में ही है। सही बात है, हम इस आदत को छोड़ नहीं सकते। अब बहुत बढ़िया सुनाया हो गया। ज़ेबा रिज़वी जी तो कह रहे थे कि मैं तैयार नहीं हूँ, तो मैं अभी हम चलते एक नाटक की तरफ और अब हम आपको एक नाटक दिखाएंगे। तैयार है सर? कौन दिखा रहे हैं नाटक? देखिए अभी आते हैं पर्दे पे। नहीं, पर्दे पे मैं लाऊंगी ना, उन्हें मुझे तो बता दीजिए। सही बात है, पर्दे पे लाना पड़ेगा, पर्दा उठेगा तभी तो पता चलेगा ना। पर्दे पे ले आइए आप उनको। मुझे लगता है हमारे जो हरफन मौला हैं विजय जी वही होंगे। ऐसे आप सही समझिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आइए विजय जी। अरे तोलिए के पीछे नहा के निकले हैं लगता है। ऐसे तौलिया का कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। यस, देखो हमारे स्क्रीन पे भी कवर। तौलिया का कवर हाँ, पे भी कवर लगता है, कोई बूढ़ा आने वाला है। नमस्कार नमस्कार, सुस्वागतम। ICC ट्राइवेली द्वारा प्रस्तुत एक नाटक भोला और बिंदु की प्रेम कहानी। कलाकार बिंदु सायरा बानो, भोला सुनील दत्त, गुरु किशोर कुमार। तालियों से इन कलाकारों का स्वागत कीजिए। रुको 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 रुको, अरे क्या हुआ, क्या वो नहीं आए, तीनों गायब हैं। अरे यार अब क्या करें। वो शायद ऑडियंस में बैठे होंगे, कोई चिंता नहीं, प्लीज कोई उन्हें बुला कर लाइए प्लीज। तब तक हम लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख लेते हैं। योगी भैया प्लीज दिखा दो। ओके, मेरे जीवन की आशा, पढ़ ले मेरे नैनों की भाषा, मुझे मन बसा ले, पल 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 को मैं छुपा ले। तू झटपट आकर झटपट मेरे अंधे कुएं में दीप जला के करते हुए
नाटक समाप्त। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बलजीत जी नानी बना दिया आपने, बलजीत जी को बहुत सुंदर, आपकी नानी सुंदर, बहुत नानी बड़ी सुंदर है, आपकी नानी तो बहुत यंग है, नानी अम्मा, नानी अम्मा। हाँ, एक मैं एक कहना चाहता हूँ, इसमें बीच में क्या हुआ, तो ये जो नाटक होने वाला था ये तो तीनों गायब तो थे, तो फिर क्या हुआ, तो बोले मिल गया, मिल गया, कौन मिल गया, ये मिल गया, मिल गया, तो हम बोले उनको लेके आओ, और वो किसी और को लेके आए, हमने बोला ये कौन है भैया, तो बोले कोई पता नहीं, कोई बैठा था जेबा जी के और सुलभा जी के साथ में, और कोई और बंदा था, आई थिंक कोई साहब थे उनके साथ में बैठा हुआ था, हमको लगा ये वही होंगे, तो हमने उसको उठा के लेके आए, तो मैंने बोला ये कौन है भाई, किसको उठा लाए हो तुम, तो बोलते पता नहीं अभी इससे ही काम चला लो, तो हमने बोला ठीक है हम चला लेंगे, उनको उससे पूछा कुछ एक्टिंग आती है, तो उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल नहीं, अरे यार अभी तो चलाना ही पड़ेगा राइट, तो कुछ चिंता मत करो हम हैं ना इधर साइड में खड़े रहेंगे आपको बताएंगे, तो वो दिखा रहे थे, मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं तो बोल रहा था कि तुम ऐसा करो, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वो कहाँ गया, वो जिसको आपने पकड़ा था गया था, दिनेश जी थे, हाँ ये कोई बंदा था, वो हमने बोला चलो नाम ले दीजिए कोई बात नहीं, दिनेश जी सो रहे थे, और दिनेश दिनेश जी तो वो सायरा बन को लेके भाग गए थे, वो तो अपना दिनेश जी क्या बात है, बच्चे को नाम बोला हुआ, now he's happy that's right, very good, नींद खुल गई आपकी भाई साहब, that's right, सायरा बानो का नाम सुन के नींद खुल जाती है मेरी, मुझे लगता है आप अपने जमाने में बड़े पहुंचे हुए थे, कभी मधुबाला को याद करते हैं, कभी सारा बानो को याद करते हैं, कभी हमारे ड्रीम, हमारे ड्रीम्स बड़े ऊंचे होते थे, ये सब आप लोग गए, जेबा जी और सुलभा जी इन लोगों की मेहरबानी है, उनको देख देख के मैं भी सीख रहा हूँ, और हमारे डायरेक्टर योगेंद्र भाई हमको कुछ भी करवाते हैं हम करते हैं, बस अभी अभी तो बचपना है, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है, और दिलीप कुमार छीन लेंगे क्या, हाँ वो अभी देखेंगे, अभी कंपटीशन की याद मत दिलाइए हमें, हम अपने ख्यालों में रहते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, मदन घई जी से मैं रिक्वेस्ट, इन्होंने काफी पुलिस के डंडे बरसाए हैं, और नहीं, आज क्या बरसाने वाले हैं वो, हमेशा हमेशा पुलिस के डंडे की बात ना करें, पुलिस वाला कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस वाला भी किसी से डरता है, ऐसा नहीं, बीबी से डरता बस, हाँ तो आज मैं आपको उसी के बारे में सुना रहा हूँ कि वो स्टेज कैसे आती है, एक पुलिस वाले का ट्रांसफर उसी जगह पे हो गया जहां पत्नी उसकी सिपाही थी, अब सुनिए आगे, तब उसकी पुलिस वाले की हालत देखिए, उसी थाने में ट्रांसफर हो गया मेरा जिसमें पत्नी मेरी सिपाही थी, अब घर हो या ऑफिस दोनों जगह लुगाई थी, अब घर हो या ऑफिस दोनों जगह लुगाई थी, सीधा सा मतलब ये है कि तबाही ही तबाही थी, सीधा सा मतलब ये है कि तबाही ही तबाही थी, सारा दिन डर में काटता था, उधर पत्नी चीखती थी उधर इंस्पेक्टर डांटता था, उधर इंस्पेक्टर डांटता था उधर पत्नी चीखती थी, वैसे तो ये ट्रांसफर मेरी तरक्की यानी प्रमोशन थी,
पर एक हफ्ते में दो बार बेइज्जती होनी पक्की थी क्योंकि पिछले दिनों लाठी चार्ज के वक्त उसने ऐसे जुल्म कर दिए कि पब्लिक की आड़ में दो डंडे मेरे भी धर दिए। मैं बोला, देखती नहीं पति परमेश्वर हूं। वो बोली, घर चल के उतारूंगी आरती, अभी ड्यूटी पर हूं। मैं बोला देखती नहीं पति परमेश्वर हूं। वो बोली, घर चल के उतारूंगी आरती, अभी ड्यूटी पर हूं। एक दिन की बात है, ऐसे हो गए हालात। उधर इंस्पेक्टर ने, उधर पत्नी ने एक साथ लगाई आवाज। मुझे समझ नहीं आई किसकी सुनो, नौकरी संभालूं या इज्जत बचाऊं। गनीमत थी कि इंस्पेक्टर शादीशुदा थे, उन्हें गृहस्थी के सारे गुण पता थे। कहने लगे कि हमारी क्या बात है, आज यहाँ कल दूसरा थाना है, पर तुम्हें तो शाम को ही घर जाना है, तुम्हें तो शाम को ही घर जाना है और सारा जीवन इसी के साथ निभाना है। इसलिए जा पत्नी से पूछ क्या बात है। अरे रो मत भाई, मेरे घर भी यही हालात हैं। मेरा क्या, कमिश्नर का भी यही हाल है। दोन होंगे बाहर अफसर, घर में एक भला किसकी मजाल है। अब तो डर डर कर खोखला हस्बैंड हो गया हूँ, अब तो डर डर कर खोखला हस्बैंड हो गया हूँ। नौकरी जरूर करता हूँ पर ऐसा लगता है सस्पेंड हो गया हूँ। अभी कल ही की बात है, दिन था वैलेंटाइन, ड्यूटी थी कंबाइंड। मैंने जैसे ही पूछ लिया, चलें आज कॉफी शॉप में, बोली बंद करवा दूंगी छेड़खानी। सुन रही थी आवाज को यार। मैं इनको बंद करती हूँ, कर दिया म्यूट। आइए, कल ही की बात है, दिन था वैलेंटाइन, ड्यूटी थी कंबाइंड। मैंने वैसे ही पूछ लिया कि चलें आज कॉफी शॉप में, बोली बंद करवा दूंगी छेड़खानी के आरोप में। और सच्चाई ये है दोस्तों कि मैं थानेदार होकर भी मुल्जम की तरह लाचार हूं। मेरी वर्दी का हर स्टार उस पर बेकार है, वह सिपाही होकर भी थानेदार है और बिना स्टार के सुपरस्टार है। पर ना कोई गिला और ना कोई शिकवा, इस बार बहादुरी का डिपार्टमेंटल इनाम मुझको ही मिला। जो इस बात पर लेकर मिला कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साये में हर वक्त रह सकता है, इससे बहादुर भला डिपार्टमेंट में कौन हो सकता है। बहुत बढ़िया मदन जी, मैं इस पे एक जोक सुना दूं। किसी ने कहा कि अरे शादी से पहले आदमी शेर होता है, वो कहता है भाई मैं अभी भी शेर हूँ, मेरे ऊपर दुर्गा बैठी है। शेर की सवारी पे अब दुर्गा बैठी है। हाँ, हमेशा हमेशा शेर की सवारी तो होती है। वीना मिश्रा जी ने जो ताकत की, स्त्री की ताकत बताई, वो उसने आपके ऊपर अजमाई। यस, थैंक यू मदन भाई, बहुत अच्छी कविता थी आपकी। बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था, इट वाज वंडरफुल, बहुत ही अच्छी। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर चीजें हम लोगों को सुनाते रहते हैं। मैं एक बात कहूंगी कि आपको तो ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये कहां से आपको मिल गया? आपकी बीवी तो इतनी आपसे डरती है, इतनी सीधी, इतनी प्यारी, अच्छी, स्वीट है। मैं अपनी बीवी के लिए नहीं सुना रहा हूँ, ये तो कविता दूसरे की है।
मारे डर के कहीं भी नहीं सकते, मारे डर के कहीं भी नहीं। वैसे असलियत ये है कि सबका यही हाल है, कोई ऐसी बात नहीं है, चाहे वो मारे कहीं भी नहीं सकते, मारे डर के कुछ कहेंगे नहीं आप। जी हाँ जी, अरे कह नहीं पाता। अभी हम अपने लास्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, जो मेन प्रोग्राम है उससे एक पहले मनोरमा जी और क्या नाम है, मनोरमा जी और रेखा सक्सेना। तो मनोरमा जी, जी जी मैं हूँ यहाँ पर। ओके, वेरी, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है, स्पॉटलाइट पे आ रहे हैं। रेखा जी भी नहीं है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ रेखा जी भी है मेरे ख्याल से। तो रेखा जी का नाम नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, ओके वेरी गुड। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। तो हम लोग हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो हम लोग एक छोटी सी झलकी दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। देखा जी आप तैयार है? देखा जी तैयार है? आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कंटिन्यू कीजिए मनोरमा जी, कंटिन्यू। मैं तो रोज रोज की शिफ्टिंग से तंग आ, आज यहाँ कल आज वहां कल, क्या करूं ये सामान भी नहीं पहुंचा टाइम से, बड़ा मुश्किल है। पेट में भूख लग रही, क्या करें? चलो देखती हूँ कुछ पड़ोस में अगर कहीं कुछ बात बन जाए तो। हाँ भाभी जी, हाँ ऐसा है, मैं बहुत बिजी तो नहीं हूँ, पर हाँ ये मेरे स्कूल की फ्रेंड्स आ रही है घर पे, तो मैं कुछ खाने के आइटम्स बना रही हूँ आज। वो भी तो देखें कि मैं क्या क्या कर ली है, मैंने कितनी तरक्की कर ली है। स्कूल के दिनों में तो क्या होता था कि मैं बस बाजार से समोसे मंगाए और उनको टरका दिया। अब वो भी देखें मैंने क्या क्या जौहर दिखाए आज, मैंने क्या क्या बनाया। अच्छा समोसे, गुलाब जामुन, मूंग की बर्फी और टिक्कियां तो बन गई हैं, अब बस हरी मटर और बना लूं तो बात बन जाए। अरे ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई? अच्छा नमस्ते भाभी। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चलिए चलिए, मुझे कुछ खरीदना नहीं है आपसे। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ भी नहीं आई। अरे मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। नई पड़ोसन जी? अच्छा बस मैं तो थोड़ी चीनी लेने आई थी, सोचा इस बहाने ही आपसे थोड़ी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा सोचा। इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, आए हैं चीनी मांगने और हाथ में कटोरी भी नहीं। आइए आइए अंदर तो आ जाइए, आइए आइए आइए। अरे बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बात है, कुछ पक रहा है? अजी पकना कैसा, मेरे स्कूल की फ्रेंड्स आ रही सहेलियां पुरानी, तो उनके लिए कुछ आइटम्स बनाए हैं। अरे मैं भी तो आपकी सहेली हूँ ना, सही पुरानी नई सही। ओ, अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, इनकी खाऊं खाऊं ने तो मेरा दम ही निकाला है। अरे समोसा, अरे आपको चाहिए एक उम्र, बस एक उम्र असर होने तक। अजी कौन रुकता है ये समोसा सर्व होने? हाँ रुकिए रुकिए, मैं सर्व कर रही हूँ आपको, मैं दे रही हूँ अभी, लीजिए लीजिए लीजिए। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,
बहुत रखे सामान आपने मगर कम निकले। अजी लीजिए, शर्माइए नहीं, अपना ही घर समझिए। मेरी कंजूस है, मक्खी चूस है, मालूम नहीं कुछ और पूछेगी भी कि नहीं। जी लीजिए। ओहो, बैठिए तो सही, बैठ के खा लीजिए। अजी टेबल पर सजे रहने को हम नहीं कायल, जो प्लेट में ना आए वो मठरी क्या है। उनके आने से जो आ जाती है मुंह पे दहशत, उनके आने से जो आ जाती है मुंह पे दहशत, वो समझते हैं उनका सत्कार अच्छा हो रहा। अजी लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए, समोसा बहुत स्वाद है, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, अपने घर समझिए। नहीं नहीं, मैं अपनी सहेलियों का वेट कर रही हूँ, वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपनी टेबल को देखती हूँ, सारा माल चट ना कर जाए भाई। खाइए खाइए, अपना ही घर समझिए अब। ये पड़ोसन नहीं आसान, ये पड़ोसन नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये पड़ोसन नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक खुला गटर है और ठूसते जाना है। अच्छा आ गए आप लोग, आ गए हमारी फ्रेंड सब। हाँ ठीक है, आप जरा लेफ्ट हैंड में लिफ्ट है उसको पकड़ के तीसरे माले पे आ जाइए, आ जाओ। अच्छा अच्छा, आपकी सहेली आ गई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। अच्छा फिर मिलूंगी। हाँ आपके हस्बैंड घर पे आपका इंतजार कर रहे हैं चाय पे। आप तो चीनी मांगने आई थी ना, चीनी तो ले जाइए। जी जी जी, घर पे भी मेरा इंतजार हो रहा है। ओके। आए थे चीनी मांगने, सब खा के चले गए, मेहनत पे अपनी फेर के पानी चले गए। अब तो फिर बाजार से हमें समोसे मंगाने पड़ेंगे, सखियों के फिर वही सुनने हमें ताने पड़ेंगे। ये मैडम पड़ोसन इतना हंस गई, और यहाँ तो लिखा हंसना मना है, अब क्या करें, चलो चलो तो भागो भागो। सारे समोसे खा गई, सारे समोसे, और जो बचे थे वो साथ में ले गई। अभी तो बाजार से ही भरोसा रह गया बस। बहुत अच्छा रेखा जी, मनोरमा जी, दोनों ने बहुत अच्छा एक्ट किया, वेरी नाइस। और खुशी बहुत खूबसूरत है अपनी पड़ोसन मनोरमा जी से। नहीं और मनोरमा जी आपकी हंसी इतनी खूबसूरत है, यह हमें नहीं पता था। नहीं है वो इतनी आती है।